नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। बदलते गांव की बुलंद तस्वीर पेश करने का मंच है गांव आज तक। हम आपको गांव की उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाती हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात के नवासारी जिले के एक गांव की खबर से। यहां के कुछ गांव में एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग से लेकर गांव के लोग उसे तलाश कर रहे थे। रोज रोज तेंदुआ गांव वालों को निशाना बनाकर भाग जाता, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी खबर आई कि हर कोई एक कुएं की तरफ भागने लगा। क्या है यह कहानी, देखिए यह रिपोर्ट। लोहे के मजबूत पिंजरे को तोड़ने पर आमादा यह तेंदुआ 9 घंटे की मशक्कत के बाद गहरे कुएं से बाहर निकाला गया है। वन विभाग के मुताबिक इस तेंदुए की उम्र भले ही 1.5 साल है, लेकिन ये बेहद खूंखार है। अगर ये पिंजरे से बाहर आ जाए तो चंद मिनटों में कईयों को मौत के घाट उतार सकता है। पिछले एक महीने से इस तेंदुए ने गुजरात के नवसारी इलाके के गांव में तहलका मचा रखा था। गांव वाले इसे तलाश रहे थे कि अचानक धनोरी गांव के कुएं में तेंदुए के गिरे होने की खबर मिली। खबर लगते ही कुएं के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर वन विभाग के अफसर भी पहुंच गए। कुएं के अंदर तेंदुआ तैर रहा था। वन विभाग के लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कई घंटे तक कामयाबी नहीं मिली। कि ये कुआ, जो कुएं में ये दिपड़ा गिर गया था, वो छोटा था, उसका डायमीटर छोटा था। जो पिंजरा हमारे पास था, वो जो कुएं में जाता है, वो नहीं जा पाया। जैसे जैसे वक्त बीतता था, कुएं में कैद ये तेंदुआ खूंखार होता जा रहा था। वन विभाग के लोगों ने इसे बचाने के लिए रस्सी से बांधकर लोहे का पिंजरा डाला, लेकिन ये उसी के ऊपर बैठ गया। पिंजरे पर बैठकर ये ऊपर खड़े उन्हीं लोगों पर गुर्राने लगा जो इसे बचाने में जुटे थे। इसके तेवर देख लोग डर गए। बचाव कर्मियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर इसे इसी तरह बाहर निकाल लिया जाए तो बाहर आते ही ये लोगों पर हमला कर सकता था। तेंदुए के रेस्क्यू में लगे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक कुआं बेहद संकरा था, लिहाजा उसमें एक साथ दो पिंजरा नहीं डाला जा सकता था। आनन फानन में एक बड़े लोहे के पिंजरे को कुएं के हिसाब से कटवाया गया, फिर उसे रस्सियों में बांधकर कुएं में डाला गया। पुराने पिंजरे को रस्सी समेत कुएं में छोड़ दिया गया और हमने वो काट के पिंजरा वेल्डिंग करके हिलाया और आपने देखा 10 मिनट में जैसे पिंजरा आया 10 मिनट में बाहर आ गया। लोहे के पिंजरे में जैसे ही तेंदुआ घुसा उसे ऊपर से बंद कर दिया गया। इसके बाद ऊपर खड़े लोग तेंदुए को ऊपर खींचने लगे, लेकिन जैसे ही तेंदुआ पिंजरे समेत कुएं से बाहर आया लोगों पर गुर्राने लगा। वो पिंजरे के अंदर से ही उन लोगों पर हमला बोलने लगा। तेंदुए के गुस्से को शांत करने के लिए वन विभाग के लोगों ने पिंजरे पर हरा कपड़ा डाल दिया, फिर तेंदुए को पास के जंगल में छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम उसे लेकर रवाना हो गई। रोशन जानी, नवसारी, आज तक। तेंदुआ तो वापस जंगल पहुंच गया, लेकिन बिहार के गया के कुछ गांवों पर जंगल से आए हाथियों ने हमला बोल दिया है। ये हाथी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाते हैं, कुछ ही देर में फसल चौपट करके गायब हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में दर्जनों गांवों को उजाड़ दिया है इन जंगली हाथियों ने। हालत यह है कि हाथियों को काबू करने के लिए गांव में हथियार बंद फोर्स बुलानी पड़ी है। आपको याद होगा कि गांव आज तक में हम लगातार गांवों पर हो रहे हाथियों के हमले का मुद्दा उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के गांवों में हाथियों का हमला एक बड़ी चुनौती बन गया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, जान बचाने के लिए भागते लोग, खेतों में मोर्चा लेते हथियारों से लैस जवान, तबाही मचाते हुए आता हाथियों का छोर। हाथियों के आतंक की ये तस्वीरें बिहार के गया जिले के गांवों की। नक्सल प्रभावित डुमरिया इलाके के गांवों में हाथियों के झुंड ने धावा बोल दिया। जान बचाने के लिए गांव वाले भाग रहे हैं। हाथियों के चपेट में आने से
एक शख्स की मौत हो गई है। मैं जब उठे रहते हैं कि हाथियों का झुंड है, तो यहीं पर प्रसवन है रजबलिया का, उसी में हाथी थे। बाद में जब धूप निकला तो बाहर आए, वो राहड़ का खेत था, उसमें वो था रामदनी राम का राहड़ था, उसमें घंटों रहे, भीड़ लगी रही। लगभग प्रशासन 8-9 बजे यहाँ पर आई थी और उस वक्त जो है सो भीड़ लगी हुई है। उसमें जो ग्रामीण था केवला का ग्रामीण था, उसका नाम था बिशु पासवान, उसको जो है सो हाथी कुचल के उसको मार दिया। हथियारबंद जवान गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मदमस्त हाथियों को कैसे काबू किया जाए। आंखों के सामने हाथी किसानों की मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों का झुंड जिस भी खेत से जा रहा है वहां पर सिर्फ तबाही के निशान मिल रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक पास के राजबलिया के जंगलों से 16 हाथियों का झुंड भटक कर गाँव में चला आया है। झारखंड के जंगल से हाथी सुबह में सूचना मिली कि 12-13 के झुंड में आया हुआ। सूचना मिलते ही हम लोग अपने स्टाफ को भेज दिए, जैसे भी हम लोग पहुँचे हैं। नुकसान तो अभी सुन रहे हैं कि एक आदमी को मारा है, क्योंकि पब्लिक बहुत नज़दीक चली जा रही है। उनको मना करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि इतना भीड़ पब्लिक लगाए हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, तो अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं हुई। गांव के लोगों का कहना है कि हाथियों का ये झुंड झारखंड से आया है। इन हाथियों ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ ही पश्चिम बंगाल के गांवों में भी तहलका मचा रखा है। पंकज कुमार, गया, आज तक। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों की हकीकत किसी से छिपी नहीं। नक्सली हमले के डर से सरकारी मशीनरी गांव में जाने से डरती है, जिसकी वजह से यहाँ के गांव विकास से कोसों दूर हैं। गांव के लोग आज भी रोजगार के लिए कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। इस तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठाया है गांव की महिलाओं ने। कई गांव में CFL बनाने का काम कुटीर उद्योग के तौर पर शुरू हुआ है। इन गांव से अब देश की नामी गिरामी कंपनियां CFL खरीद रही हैं। CFL की रोशनी ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले के रसेल गांव में ऐसी छटा बिखेरी कि इनके आंगन में खुशियों की बारिश होने लगी। 3 बार मानसून की दगाबाजी से बदहाल गांव के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। गांव की महिला नगमा ने CFL बनाने का हुनर सीखा और फिर दर्जन भर महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी। आज हालत ये है कि गाँव की दर्जनों महिलाएं समूह में नामी गिरामी कंपनियों के लिए CFL बना रही हैं। पहले हम लोग घर का काम करते थे, अब समूह में जुड़ के 1 घंटा घर से समय निकाल के CFL बल्ब बनाते हैं। यहाँ सरस मेला होता है, हमें आर्डर देते हैं, वहाँ वहाँ जाके हम बिक्री कर लेते हैं। एक बल्ब 100 रुपया बेचते हैं हम लोग। रसेल गांव गरियाबंद जिले का वो हिस्सा है जहाँ सरकारी योजनाएं बमुश्किल पहुँचती है। गाँव पर 24 घंटे नक्सली साया मंडराता रहता है। नक्सलियों ने गाँव में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर रखा है, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांव के कई घर CFL निर्माण से जुड़ गए हैं। पहले महिलाएं इस काम में अकेली थीं, अब गांव के शिक्षित बेरोजगारों ने इसे रोजी रोटी का जरिया बना लिया है। अब ये लोग LED उद्योग में एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आगे सर हम LED का काम शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ गांव की और सभी महिलाएं इसमें आए और पूरे गांव में ये घर घर ये बने, ताकि ये एक उद्योग की तरह यहाँ पर हो जाए। कच्चा माल इसको बना के 70 रुपए करीब पड़ता है। अच्छा। और इसको दुकान में अपन बेचते हैं उसको 100 रुपए के साथ। CFL ने रसे गांव को नई पहचान दी है। आसपास के गांव वाले ही नहीं बल्कि शहरों के कारोबारी भी गांव में CFL खरीदने पहुंच रहे हैं। गांव के कई नौजवान प्राइवेट नौकरी छोड़कर CFL निर्माण में किस्मत आजमा रहे हैं। आत्मनिर्भरता के मामले में रसेला गाँव CFL की रोशनी से जगमगा रहा है। घर बैठे रोजगार मिलने से यहाँ के ग्रामीणों की अच्छी खासी आमदनी हुई है और उनकी जिंदगी सवर रही है। अब यहाँ के नौजवान CFL इंडस्ट्री बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। गरियाबंद से रजनीश पात्रा के साथ सुनील नामदेव, आज तक। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में पलायन की समस्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पलायन की सबसे बड़ी वजह है गाँव में रोजगार का न होना। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ के गाँव में रहकर न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि गांव के 2 लड़के सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करके सरकार को बेच रहे हैं। इस फॉर्मूले को अपनाकर कोई भी गांव में रहते हुए अच्छा पैसा कमा सकता है। बदलते गांव की बदलती तस्वीर पेश करती है ये तस्वीरें।
उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव मोहन की। मोहन गांव में सोलर एनर्जी से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इस सोलर पैनलों की वजह से न सिर्फ यहां के कई गांव रोशन हो रहे हैं बल्कि गांव के दो नौजवान सोलर पावर हाउस चलाकर लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। हमारे पास है 2000 पैनल, एक पैनल की कार्य क्षमता है 250 वोल्ट की। ये 500 किलोवाट को टोटल 500 किलोवाट सोलर प्लांट जो है बिजली का उत्पादन करता है एक दिन में। इसकी कार्य क्षमता 500 किलोवाट पर है जिसके लिए हमें 2000 पैनलों की आवश्यकता हुई, जो 2000 पैनल यहां पर स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले मनोज कुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ दिन पहले सोलर एनर्जी का काम शुरू किया। बंजर जमीन पर करीब 200 सोलर पैनल का पावर हाउस लगवाया। इन सोलर पैनल के जरिए ये रोज करीब 500 वाट बिजली बना रहे हैं। बिजली को सीधे UPCL को बेचकर इन्हें हर महीने करीब 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है। यानी कि पर मंथ हमें 60,000 यूनिट बिजली बनाकर UPCL को देनी चाहिए। सर वो हमें 9.20 रुपए पर यूनिट देते हैं तो उससे हम 5,40,000 रुपए पर मंथ की इनकम कर सकते हैं या करते हैं। यह है कि जो वो जनरेट कर रहे हैं वो हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, तो हमारी जो हमारा जनरेशन है जो हमें अदर सोर्सेस से मिल रही है उसको और उसको दोनों को मिला के कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं उस क्षेत्र को बिजली सप्लाई करते हैं। मनोज के मुताबिक सोलर पावर हाउस ने इनकी जिंदगी ही बदलती है। पहाड़ों पर बसे घरों में भी लोग अब तेजी से इस प्रयोग को अपना रहे हैं। इसे देख के हम अपने घर पर भी इसको यूज करते हैं सर, ये हमने अपने घर पर भी लगाया हुआ है सर। सर इससे हम बिजली बन जाती है सर, हमारे घर पर यूज करने के लिए जो बिजली थोड़ी बहुत बन जाती है सर। उत्तराखंड में अभी तक जल विद्युत परियोजना से बिजली की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन सोलर पावर हाउस के एक नए प्रयोग से न सिर्फ बिजली विभाग को फायदा है बल्कि गांव में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।